अब ये सब करने के बाद आप किस तरह से बच्चों की फिनीमिक अवेयरनेस डेवलप करके लिटरेचर को इस्तेमाल कर सकते हैं टू एनहैंस द रीडिंग स्किल्स टीचर्स कैन हेल्प चिल्ड्रन डेवलप फिनी अवेयरनेस इन मेनी वेज दे कैन एक्सपोज देम टू लिटरेचर दैट प्लेज विद द साउंड इन द लैंग्वेज दे कैन प्रोवाइड एक्सटेंसिव राइटिंग एंड दे कैन प्रोवाइड एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन इन साउंड सेगमेंटेशन एंड इन रिप्रेजेंटिंग द साउंड वर्ड्स, so, कहाँ से फिनेमिक अवेयरनेस टेक्स में से आ सकती है सारी की थी आपको याद होगा आपका पूरा एक बुकलेट थी कि जिसमें फनीमिक अवेयरनेस में आपने फनी, फनीम आइसोलेशन फनीम आइडेंटिटी uh, फनी, फनीम एडिशन फनीम सब्ट्रैक्शन फनीम सेगमेंटेशन कैटेगराइजेशन uh, इसकी सारी एक्सरसाइजेस की थी अगर आपको वो याद नहीं है अपने लिटरेसी स्किल्स के uh, वो आप uh, टीचिंग लिटरेसी जो सेमेस्टर थ्री में की है उसके हैंड आउट्स को गो थ्रू करें और उसमें फनीमिक अवेयरनेस का जो पूरा पार्ट था उसको गो थ्रू करें ताकि आपको ये याद आ जाए कि साउंड सेगमेंटेशन या फनीम सेगमेंटेशन कैसे की जाती है तो लिटरेचर की बात करते हैं टीचर्स कैन यूज लिटरेचर दैट प्लेज विद द इन द लैंग्वेज ठीक है टेक्स्ट कैन डील प्लेफुली विद द प्ले ऑफ लैंग्वेज थ्रू रॉम एंड थ्रू मेनिपुलेशन ऑफ फनीम इन एडिशन टू प्योर एंजॉयमेंट sound playbooks heighten a child's sensitivity to the phonological structure of the language some children may be able to discover and attend to sounds in language as a result of the linguistic stimulation provided by the kinds of books ab ye uh, sounds hai agar unko read aloud karke they learn new sound patterns ya sound patterns ki recognition or unki segmentation categorization karne mein alliteration and assonance यूज की जाती है ठीक है एलिट्रेशन क्या है द रिपिटेशन ऑफ एन इनिशियल कंसोनेंट साउंड अक्रॉस सेवरल वर्ड्स फॉर इंस्टेंस उन्होंने एग्जांपल दी है कि लेजी लायंस लाउंजिंग इन द लोकल लाइब्रेरी अब इसमें कौन सी साउंड्स बार-बार रिपीट हो रही है लेजी लायंस लाउंजिंग इन द लोकल लाइब्रेरी ल एल साउंड फिर अज़ोनेंस क्या है व्हिच इट इज द रिपिटेशन ऑफ वावल साउंड्स विद इन वर्ड्स तो उसको राइम्स क्रिएट करने के लिए एक ही तरह की vowel sounds को बार-बार की जाए जस्ट टू क्रिएट दैट काइंड जिसको आप playfully बच्चों को सिखा तो क्या है इन्होंने sentence example दी है a leaf, a tree, a green, bean, green. अब इसमें जो ई साउंड ऑफ वाउल है उसकी प्रैक्टिस की है अ ट्री अ ग्रीन बीन ग्रीन तो दूसरा उन्होंने ये दी है इट रेन्स एंड हेल्स एंड शेक्स द सेल्स आप इस तरह से कोई भी टेक्स्ट लिटरेचर का लेके या बुक लेके पोम्स की उसके थ्रू बच्चों को एलिट्रेशन एंड एजोन की प्रैक्टिस करवा सकते हैं और इससे वो न्यू साउंड और न्यू पैटर्न को लर्न कर सकते हैं अब ये आप लोगों ने जरा खुद इसको देखना है कि ये उन्होंने रिसोर्सेज फॉर लिटरेचर दैट प्लेस विद लैंग्वेज अब ये रिसोर्स की बात आप लोगों ने खुद ये पढ़ना है रीडिंग करनी है और मेरे साथ क्लास में डिस्कशन करनी है ओन अल्फाबेट बुक बाई दीज ऑथर्स ऑल्सो दे कैन इन्वॉल्व दिस चिल्ड्रेन टू ड्राॅंग द पिक्चर्स इन मेकिंग इट अस प्रोजेक्ट तो ये आपने वेबसाइट चेक करनी है इसको टाइप इन करें और देख के बताएं कि किस तरह से अल्फाबेट बुक और उसकी जो जो आप चीज चेक करें स्क्रीन लेके मेरे साथ शेयर करें लिंक्स टू रीड अलोंग अब ये ऑडियो है इसका लिंक आप ये आ, पकड़ें कॉपी करें हुई मैरी सर्फ एजो मेरे ख्याल में ये नाम आप टाइप करेंगी ना लिंक की बजाय यूट्यूब पर सर्च हो जाएगा तो उसकी ऑडियो से आप क्या सीख सकते हैं डोन्ट प्रगेट दाईनटीन सेवन प्लेजुले और ये कोई स्टोरी है ये क्या स्टोरी है उसका लिंक उन्होंने ये दिया हुआ है और इसमें से हम कौन से लर्निंग पॉइंट जो है वो निकाल सकते हैं

लिखना दें बल्कि उसमें उनकी कोई उनकी अपनी ओपिनियंस अपनी रिफ्लेक्शन अपनी अंडरस्टैंडिंग भी उसमें इस्तेमाल हूं और उसमें शामिल हों एट लीस्ट वन स्टडी हैज शोन दैट फ्रीक्वेंट अपॉर्चुनिटीज टू राइट यूजिंग इनवेंटेड स्पेलिंग विच आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होल लैंग्वेज क्लासरूम एनहांस रीडिंग राइटिंग फ्लुएंसी करें। बच्चे इस बात पे अगर परेशानी होंगे जो वो लिखना चाह रहे हैं उसकी स्पेलिंग सही है या गलत है तो वो बहुत से न्यू वर्ड्स को ट्राई आउट करेंगे और अवेयरनेस be ठीक है डेली राइटिंग के थ्रू वो अपनी फनीमिक अवेयरनेस अब साउंड रिकोगनीशन और फिर साउंड के थ्रू सिम्बल कौन से उन्होंने करनेहांस कर सकते हैं When children write, they have to face head-on the problem of mapping spoken language onto written language. spoken for symbol may translate writing experiences through phonics practice This can result in an understanding of the structure of spoken language. We're okay? Hearing the sounds and words, listening to text that plays with language and writing with invented spelling are indirect ways to enhance phonemic awareness with some children it may be necessary to provide more explicit in instruction unko baaz bache to khud writing ke phonemic awareness develop kar phonics aware ho hai, ya read alouds ke through lekin baaz ko direct instruction directly on concepts ko teach ki zarurat hoti hai. for such instruction to be effective children need first to understand that language can be examined independently of meaning Dis uh, to uh, lundberg ne, or uh, associates ne they describe a phonemic awareness training program that began with a segmentation of spoken language into words and syllables in a re, research ki phonemic awareness training program jisme kaha spoken language ko words or syllables may divide and segmentation karne ki practice hogi. words and syllables are easier to grasp and thus more easily available to children than are phonemes the words or syllables Uh, सुन चुके होते हैं इसलिए उसको पढ़ना उसको राइट करना लिसन करके समझना उनके लिए आसान होता है फनीम्स में जिस तरह आपको ये कॉन्सेप्ट अभी समझने में कि जी इंडिविजुअल साउंड्स को किस तरह से जोड़ के हम वर्ड्स बनाते हैं और किस तरह से उनको अलग करते हैं किस तरह से सब्स्टिट्यूट करते हैं वो थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए मगर वर्ड्स एंड सिलेबल्स फिर भी थोड़े से ईजी होते हैं इन

वर्ड्स की जो है साउंड सुनने से लिसनिंग के थ्रू बादस अपनी डिवेलप करते हैं ओके तो दूस ऑफ अल्कोनियन बॉक्सिस फ्रॉम द रशियन साइकोलॉजिस्ट अल्कोनियन इज अ प्रोसीजियर प्रिस्क्राइब बाई क्ले एज अ रीडिंग रिकवरिंग स्ट्रेटेजी टू हेल्प चिल्ड्रन थिंक अबाउट दाउंड इन स्पोकन वर्ड द टीचर प्रिपेयर अ कार्ड विद अ पिक्चर ऑफ अ सिंपल वर्ड Below the picture is a a matrix that contains a box for each phoneme, not letter in the word. नॉट बच्चों को एक तस्वीर दिखाते हैं उसके नीचे खाली डब्बे होते हैं जिसमें जितने वर्ड के लिए वो उसके डब्बे दिए जाते हैं बच्चों को ये स्पेलिंग का प्रेशर नहीं डाला जाता उनसे कहा जाता है कि इसका नाम बोलो और फिर उसको फनीम्स के हिसाब से स्पेल आउट करने की कोशिश करो वर्ड शुड बी चोजन फ्रॉम टेक्स विद विच दिल्ड्रन हैल्टीपल ओरल रीडिंग्स अब जैसे कोई पोम है जैसे हमटी उस तरह के टेक्स में से जो फेमिलियर वर्ड्स हैं उनको उठा के ये एक्टिविटी करवानी चाहिए ताकि बच्चों को बोलना आए कि अच्छा वॉल है तो वॉल पर हमटी बैठा था ओके आई नो हाउ टू से वॉल द यूज ऑफ अ होल टू पार्ट सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन विल इंश्योर पार्टी चिल्ड्रेन अंटेक्स टू विच दे कैन रिलेट द एबस्ट्रैक्ट साउंड अब वो वॉल बोलना तो उनको आता है लेकिन उसको एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करना फिर उसकी साउंड्स को अंडरस्टैंड करना फिर उसके सीक्वेंस के होल वर्ड ऐसा है उसमें अलग अलग जो है फूनियम्स इस तरह से हैं इससे बच्चे की एक डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है द टीचर स्लोली आर्टिकुलेट्स द वर्ड वाल पुशिंग काउंटर्स इन टू द बॉक्सिस साउंड बाय साउंड अब जो ये जिस तरह आप समझे आपके पास छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं या लेटर्स होते हैं ना वो बॉक्सेज में टीचर रख रख के उसको वॉल के जी वॉ लु ये इस तरह से वॉल बना है तो उसको भी पता चल जाए ओके डब्ल्यू ए एल तो डेफिनेटली आता है डबल एल का बाद में दे दिया जाए द चाइल्ड इज by इन the word, while वाइल uh, teacher moves the counters, and later by moving the counters herself। और बच्चे को पहले टीचर गाइडेड एक्सपेरिमेंट सॉरी एक्टिविटी करवाए और उसके बाद उनसे कहें Uh, के वो खुद से करें ग्रेजुअली द रिस्पांसिबिलिटी शुड बी ट्रांसफर टू द चाइल्ड द टास्क कैन बी मेड मोर कॉम्प्लेक्स रिमूविंग द मेट्रिक्स एंड हैविंग ओनली द काउंटर्स अवेलेबल अब जो मेट्रिक्स और डब्बे थे उसके थ्रू बच्चे को पता चलेगा अच्छा तीन डब्बे हैं तो तीन लेटर्स मैंने डाल लें या तीन मैंने काउंटर्स या तीन मैंने सिम्बल्स डाले हैं चार डब्बे हैं तो चार है तो उसकी जब थोड़ा वो लेवल अचीव कर लें फिर वो डब्बे हटा दें उसे कहीं खुद गैस करें कि तीन फनीम्स आ रहे हैं चार फनीम्स आ रहे हैं पांच आ रहे हैं लेटर द पिक्चर कैन बी रिमूव और सिर्फ वर्ड बोला जाए और बच्चे से कहा जाए कि ओके पिक्चर भी नहीं देखनी खाली ये वर्ड सुनो और इसको ये लेटर्स रख के काउंटर्स रख के या सिम्बल्स रख के बताओ कि किसने कितने फनीम है किस तरह से इसको बोला जाए तो इस तरह से आप एक्टिविटी करवा सकते हैं ओके okay. उर्दू में भी हम इस तरह से कर सकते हैं और uh, uh, इसको हम कैसे ट्रांसफर करें वी कैन ऑल्सो प्रैक्टिस दिस तो दिस वॉज द हैंड Uh, about uh, how you can uh, enhance students' reading proficiency by using literature. Or literature can the hearing sounds, writing experiences. Ki hamne baat ki. Iske humne usko link kia, uh, to read along. Or hamne also alphabet book apne resources check hai. So read this handout on your own. Or uske baad if you have any questions, so you can ask uh, in the direct class. So this was uh, how you can develop a child's phonemic awareness. Uh, through these different strategies and activities. So, if you have any questions, we can discuss this later in class. Okay, thank you.